मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है बिकॉज मैं पहली फिल्म जो विनोद की थी सजाए मौत, उसमें असिस्टेंट था, वो मेरी पहली फिल्म थी। पहली बार मैं सेट पे विनोद चोपड़ा की फिल्म में आया था, मैं उस फिल्म में झाड़ू भी लगाता था, मेन विलन की डबिंग भी करी थी, असिस्टेंट एडिटर भी था, तो वो स्कूल था मेरा एक तरह से। तो तब से विनोद बोलता था कि मैं एक हॉलीवुड में एक ज़रूर फिल्म बनाऊँगा, और आज जब उसका सपना पूरा हुआ तो आई एम वेरी एक्साइटेड। वैसे मैं अंदर की बात और बताऊँ कि मैं फिल्म देख चुका हूँ और बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत एक्साइटिंग है, ब्रिलियंटली शॉट। विनोद का जो परिंदा से लूजली कनेक्टेड फिल्म है, लेकिन एक नई फिल्म है और परिंदा से बेहतर है, जो कि मुश्किल काम है। मुझे बहुत 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 अच्छी लगी थी एंड ऑल द बेस्ट टू विनोद फॉर आई होप इट वर्क्स वेरी वेल व्हेन इट्स इंटेंडेड टू बी शोन एंड आई होप इट सक्सीड्स अ लॉट इन आउटसाइड द डायस्पोरा। हिंदुस्तान के बाहर बहुत चले, बहुत कामयाबी मिले, वेरी होप। हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर के हर चेकोस्लोवाकियन डायरेक्टर्स हॉलीवुड स्टार्स के साथ बनाते हैं, पोलिश डायरेक्टर्स बनाते हैं, चाइनीज डायरेक्टर्स बनाते हैं, तो एक बार और हिंदुस्तानी हमारे शेखर दोस्त हैं, मीरा नायर हिंदुस्तानी हैं, तो ऐसे ही एक उस कड़ी में विनोद चोपड़ा जुड़े और बहुत बहुत कामयाब होंगे, बिकॉज ही इज़ एज गुड एज द बेस्ट, टेक्निकली सुपर्ब और बहुत बहुत स्किल्ड फिल्म मेकर हैं विनोद, जो अब ज़्यादा कुछ हाल में उन्होंने फिल्में ज़्यादा प्रोड्यूस की हैं, लेकिन अगर आप पुरानी फिल्में देखेंगे और खामोश फॉर इंस्टेंस इफ यू सी, मतलब इट्स एज गुड एज एनी हॉलीवुड थ्रिलर, तो मतलब क्यों नहीं, बिल्कुल। अब यार फिलहाल तो मैं हिंदुस्तान में बना रहा हूँ, लेकिन क्यों नहीं, मतलब कोई स्क्रिप्ट होगी और कोई ऐसा होगा तो जरूर बना। अब तो आप लोग पूरा लपेट रहे और बात किया, हाँ टाइम है, चलो चलो। ब्रिलियंट शशि कपूर साहब जो हैं, अगर सिनेमा के आदमी हैं, बहुत बहुत खूबसूरत आदमी हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनको बहुत अंडररेट किया गया है, क्योंकि जिस ज़माने में वो एक्टिंग करते थे उस ज़माने में थोड़ा सा एक लाउड एक्टिंग का ज़्यादा चलन था, और वो 58 से एक्टिंग कर रहे हैं, तो और उन्होंने पहले एक्टर हैं जिन्होंने हिंदुस्तान से बाहर कामयाबी पाई है, उन्होंने इस्माइल मर्चेंट के साथ जो उनकी एक कोलैबोरेशन था हाउस होल्डर, उसके पहले प्रिटी पॉली वॉज द फर्स्ट हॉलीवुड फिल्म, ब्रिटिश फिल्म इन विच एन इंडियन एक्टर एक्टेड इन अ फुल फ्लेज्ड रोल। अपना पैसा जो है उन्होंने वहाँ लगाया जहाँ उनकी बिलीफ थी, तो कई लोग बात करते हैं अच्छे सिनेमा के, शशि कपूर ने एक्चुअली वो बनाया, कलयुग, जुनून, उत्सव, विजेता, ये सारी फिल्में उन्होंने खुद प्रोड्यूस की, 36 चौरंगी लेन जैसी खूबसूरत फिल्म उन्होंने बनाई अपना पैसा लगा के, और जो पैशन उनका सिनेमा के बारे में, ऐसे लोग अब बहुत कम है हिंदुस्तान में जो, और उस तरह के लोग हमारी इंडस्ट्री में जो अपना, अंग्रेजी में कहते हैं ना पुट योर ओन नेक ऑन द लाइन, तो हर चीज़ अपना घेर भी लगाते, और ये उनकी खानदान का ट्रेडिशन है, राज कपूर साहब का ट्रेडिशन है, तो उनको जो अवार्ड मिल रहा है वो एक तरह से उस ट्रेडिशन को भी अवार्ड मिल रहा है, पृथ्वीराज कपूर को भी साथ में अवार्ड मिल रहा है जो उनके वालिद हैं, जिन्होंने थिएटर में काम किया, मतलब इतना पहली बार कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं शशि कपूर को भारत रत्न मिलना, बहुत आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल दोज हॉट ऑफ इट, ब्रिलियंट चॉइस, ग्रेट मैन, मे ही लिव टू बी 100 एंड मे ही मेक मोर फिल्म्स, I think it's truly which we deserve. Thank you so much. बहुत दिन से वेट कर रहा हूँ, अच्छा बहुत दिन से वेटिंग दिन से, आई एम डेली डेली लुकिंग फॉरवर्ड। देखिए मैं एक्चुअली आई इंडिविजुअली और नोइंग कि जो सुना वही है क्या, मैंने इज इट लाइक दैट, आई मीन जो सुना है विच इज इट लाइक परिंदा, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, देखने पड़ेगा, देखिए रियली एक्साइटेड, आई मीन वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत देर से सुन रहा हूँ इसके बारे में,
when I was there with him, I was hearing this segregated thing. Are you also a Vidhu Vinod Chopra's fan? I don't know whether you know my history. I started with him. Like, he's the person who gave me the break. Rajnita was under him. So, he's more than fan. He's my god. Thanks. श्रीराम राघवन साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई बदलापुर की कामयाबी में। क्या उन्होंने अपने प्रोजेक्ट प्रोसेस He's my senior in the institute and I'm a big fan of Vinod's work, so I think he's back to action after a while, action and drama. I'm looking forward. जितने लोग आ रहे हैं एसोसिएशन को सजाए बहुत से एक के परिंदा और आपको के नॉस्टैल्जिया का सम्मान इस नॉस्टैल्जिया के लिए भी बहुत सारी चीज़ें नहीं मेरे लिए मतलब when I was in institute he was I should look up to him you know तो परिंदा सजाए मौत सब देखिए मैंने कई बार देखी looking forward to thank you I'm very excited. Vinod's been a pretty landmark director in that sense. He's someone whose films we've watched, growing up, and Parinda and Khamosh and a lot of amazing films he's made. So I'm excited. First Hollywood film. I'm very excited. We talk about film or romance. Any memories of romance films that you watched? What are you expecting from this? Of whose films? Romance films. I don't know. This is a bromance. Is it a bromance? Brothers. But brothers and bromance is a bit different. I think it's more serious, kind of like brothers kind of bromance. I think. I'm going to see a good film. Vikram. मेरे दिल के करीब खामोश है सजाए मौत के बाद खामोश बनाई थी आई थिंक इट्स अ टेरिफिक फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है इट्स वन ऑफ द बेस्ट मिस्ट्रीज मर्डर मिस्ट्रीज यू विल सी इन दिस कंट्री इट्स फैंटास्टिक दैट्स माय फेवरेट He's a legend. I mean, he's well deserved. He's a legend, and not only commercial cinema. I mean, हम लोग उनको जानते हैं कि यार उन्होंने दीवार की और कभी-कभी lots of interesting films. But he's been a pioneer for the parallel cinema movement, for theatre, for everything. So he's living legend. Very well deserved. Thank you. जी बहुत अच्छे से देखता हूँ एक्चुअली अगर आप देखें तो सजाए मौत के बाद खामोश परिंदा और धीरे धीरे चलते हुए हम गए 1942 और लव स्टोरी उसके बाद फिर मिशन कश्मीर परिंदा ये परिंदा तो हो गया फिर मुन्ना भाई के रास्ते पे चले बहुत लंबा रास्ता और फाइनली इन ब्रोकन हॉर्सेज आई थिंक इट्स बीन फैबुलस आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल देखिए क्या है कि मैं बहुत छोटा था जब मैं ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ था 1979 में उन दिनों इतना प्रेस नहीं था तो ऑस्कर नॉमिनेशन का जैसे आजकल शोर शराबा होता है उस वक्त कम था लेकिन उस वक्त जब मैं वहाँ गया तो मैं बहुत छोटा था और मेरे पास पैसे भी नहीं थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे $20 दिए थे पर डे और पहनने को कपड़े नहीं थे वो ऑस्कर के लिए अगर आप देखते हैं तो वो टक्स पहनना पड़ता है सूट वूट और वो भाड़े पे मिलता है तो पैसे नहीं थे वो देने के लिए तो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था कि या टक्स पहनिए या नेशनल ड्रेस पहनिए तो मैंने अपना नाइट सूट पहना कुर्ता पजामा और मैं नाइट सूट पहन के ऑस्कर में बैठा था 79 में
तो तब से ये एक ख्याल था कि यार हम लोग करेंगे। फिर थ्री इडियट्स बनी और थ्री इडियट्स इतनी बड़ी हिट हुई, तो फिर हम उसके बाद हमको ऑलमोस्ट 5 साल लगे ब्रोकन हॉर्सेस बनाने। ये पीके को भी 5-5.5 साल लगे और ब्रोकन हॉर्सेस को भी 5-5.5 साल। जी बिल्कुल जी। देखिए ये फिल्म की शुरुआत जो हुई ना वो परिंदा से हुई। हमने और अभिजात जोशी ने कहा कि चलो न्यूयॉर्क शहर में हम परिंदा बनाते हैं, लेकिन जब हमने लिखना शुरू किया तो हम वहाँ से कहीं और ही चले गए, न्यूयॉर्क शहर से कहीं और, कहीं डेजर्ट में चले गए। फिर सर्जियो लियोनी ने, जिन्होंने बहुत ग्रेट फिल्में बनाई हैं इटली से, उनकी टेरिटरी, जॉन फोर्ड की टेरिटरी में चले गए। अब ऐसा है कि जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको ये लगेगा, और ऐसा बहुत लोगों ने, जैसे जेम्स कैमरॉन ने देख के बहुत तारीफ की है, जैसे आपको पता है अल्फोंसो कुआरोन ने तारीफ करी है, और भी बहुत लोगों ने। अभी मैं न्यूयॉर्क से आज सुबह ही आया हूँ, तो बहुत लोग जिन्होंने देखा, तो लोग जो बोल देख रहे हैं फिल्म को तो कह रहे हैं कि ऐसा फिल्म हमने, बहुत न्यू है, अलग है। आई थिंक क्योंकि ये फिल्म में मैं हिंदुस्तान का हूँ, इंडियन हूँ, मैं अपने दिल से मैंने हॉलीवुड बनाया, तो दिल मेरा है लेकिन सिनेमा हॉलीवुड का है। तो आप देखेंगे तो शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए मैं आज लौटा हूँ न्यूयॉर्क से और एलए से, जहाँ बहुत स्क्रीनिंग हुई हैं, ऑलमोस्ट 5-10 स्क्रीनिंग हुई हैं, सब फुल एकदम। और अभी यहाँ 10 दिन हैं रिलीज़ को, 10 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है, तो हम जितने लोगों को दिखा पाएंगे हम ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं ये फिल्म लोग देखें और देख के उनको समझ में आए कि कैसी फिल्म है। जैसे अभी हमारे यहाँ एक सीक्रेट स्क्रीनिंग हुआ था, मैं था नहीं यहाँ, मैं अमेरिका में था, और बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। देख लीजिए आप कितने बड़े बड़े डायरेक्टर, अब मैं तो आज ही लौटा हूँ एयरपोर्ट से, घर जाके नहा धो के शेव करके आपके लिए आया हूँ, तो इतने अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स अंदर बैठे हैं, तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस है सुनने का। वजीर के बारे में हम आपको यहाँ मिलेंगे 1-2 महीने में, ठीक है, धन्यवाद।